मध्य प्रदेश के इंदौर में नोट फेंकने की घटना के बाद जबलपुर में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। अब तक सड़कों पर नोट फेंकने की चौथी घटना हो चुकी है। आज स्मार्ट सिटी कार्यालय के समीप करीब 1400 रुपए सड़क पर किसी ने फेंक दिए। लोगों ने नोट देखा तो घबरा गए। तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोट को सैनिटाइज करने के बाद जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज निकाले जा रहे हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि यह किसने हरकत की है। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उल्लेखनीय हो कि नोट से संक्रमण फैलने की खबर के बाद कुछ तत्वों द्वारा साजिश के तहत सड़कों पर नोट फेंक कर दहशत फैलाई जा रही है। सबसे पहले इस तरह की घटना रांची क्षेत्र में देखने को मिली थी, जहां पर बाइक सवार दंपति सड़क पर 50 का नोट फेंक कर भाग गए थे। इसके बाद गौतम मड़ियागढ़ा के समीप और संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में भी कुछ तत्वों ने सड़क पर नोट फेंक दिया था और आज फिर किसी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास नोट फेंक दिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट पड़े हुए हैं, उसी को आकर हम लोग सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उसको उठा रहे हैं। उसके बारे में जांच करते हैं कि या किसी के गिर पड़े हैं या कहीं से किसी ने फेंका है, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी तक की जो जांच है उसमें क्या सामने है? अभी तक जांच में सामने है, रोड पर नोट पड़े हुए मिले हैं। कितनी राशि होगी? टोटल 1400 रुपये हैं, 2 5-5 सौ के और 100-100 के। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।